तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट है थारा भाई जोगिंदर और सम्राट भाई के बारे में। तो यार जैसा कि सम्राट भाई अपने पिछले वीडियो में बोले थे कि अगर उनके उस वीडियो पे 50K लाइक्स हो जाता है तो वो थारा भाई जोगिंदर के ऊपर एक डिस्ट्रैक रिलीज करेंगे, तो उनका वो डिस्ट्रैक आ चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और यार इसके बाद थारा भाई जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके सम्राट भाई के डिस्ट्रैक के ऊपर रिएक्ट किए और उसके साथ साथ बताएं कि कुछ यूट्यूबर्स उनके रिप्लाई वीडियो को डिलीट करवा रहे हैं। तो मैं आप सबको उनके इंस्टाग्राम लाइव का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। अरे जितने भी डिस्ट्रैक निकाल रहे ना, जितने गाने निकाल सकते हो जोगिंदर के ऊपर निकालो, जितना रोस्ट मार सकते हो मेरे ऊपर रोस्ट मारो, पर तुम्हारी ना पोल पट्टी खोल दूंगा। बवंडर आएगा बवंडर, कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। तुम मेरी वीडियो डिलीट कराओगे, तुम्हारी औकात। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसने स्ट्राइक मारी है ना, कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। स्ट्राइक मारनी मेरे को भी आती है, यूट्यूब पे मैं भी स्ट्राइक मार सकता हूँ, पर मेरी औकात तुम्हारी तरिया नहीं है। जैसी औकात तुम्हारी है ना छपरी वाली, थारा भाई जोगिंदर की औकात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है डैंक रिसु और आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो यार जैसा कि डैंक रिसु का जो एल्विस यादव के ऊपर वीडियो है, उनका वो वीडियो वापस आ चुका है। तो आमिर सिद्दीकी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो वो डैंक रिसु के उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किए, वो क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूं। वैसे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, डैंक रिसु को आप लोग सब लोग तो जानते रहेंगे, कौन कौन जानता है डैंक रिसु को। आई हैव सीन डैंक रिसु का रिसेंट वीडियो जो कि डिलीट हो चुका था, बट डैंक रिसु का रिसेंट वीडियो आ चुका है, तो जाके देखो, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो देख के, आई एम हैप्पी। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है एल्विस यादव और ध्रुव राठी के बारे में। तो यार जैसा कि एल्विस यादव कल अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज पोस्ट करके बताए थे कि उनके चैनल पे ध्रुव राठी मास रिपोर्टिंग करवाए हैं, जिसके कारण उनके चैनल से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला वीडियो डिलीट हो गया और उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, जिसके कारण उनका चैनल 7 दिनों के लिए बैन हो गया है। तो उसके बाद ध्रुव राठी एल्विस यादव को रिप्लाई करते हुए लिखे, कल को कॉन्स्टिपेशन होगा तब भी ध्रुव राठी को ब्लेम करना। इफ आई वॉन्टेड टू टेक अवे योर वीडियो आई वुड कॉपीराइट स्ट्राइक इट, ट्रस्ट मी आई रियली वांट योर वीडियो टू स्टे ऑन यूट्यूब, सो योर स्टुपिडिटी इज विजिबल टू एवरीवन, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन कॉन्टेंट। तो इसका रिप्लाई करते हुए एल्विस यादव लिखे, हाँ हाँ तभी 1 साल बाद यूट्यूब को होश आया है, चलो एल्विस की वीडियो उड़ाते हैं। बाय द वे जब नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा तब तुझे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, तो थोड़ा देख लेना। और यार कल ट्विटर पे हैशटैग एल्विस विल राइज नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था, तो एल्विस यादव उसके ऊपर रिएक्ट किए, वो क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। सो गाइस हम लोग ट्रेंडिंग नंबर 2 पे चल रहे हैं पूरे ट्विटर पे, पूरे इंडिया में, तो 1 पे नहीं जा पा रहे यार, क्यों नहीं जा पा रहे? तुम ट्वीट करो ना यार, ट्वीट करोगे जब भी तो 1 पे जाएंगे भाई, ट्वीट कर दो और 1 पे लेके आ जाओगे ना। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो यार हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट किए और लाइव आके बताएं कि एक गुरु कोहली नाम का बंदा है जो उनके नाम पे स्कैम कर रहा है। तो मैं आप सबको उनके लाइव का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। हर किसी को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम लेके अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि भाव मेरा खास है, मैं भाव से मिलाता हूँ, आपका काम भाव से करवा के देता हूँ, ऐसा कोई भी अगर इंसान आपको बोलता है उसके ऊपर विश्वास करना नहीं। मैं किसी से भी मिलने का या कोई भी चीज का पैसे लेता नहीं हूं, किसी को मेरे लिए पैसे मत दो। और जितने भी सूरत में, गुजरात में या कोई भी स्टेट्स में मेरे चाहने वाले हैं, बिजनेसमैन है, उनको भी यही बोलता हूँ कि कोई भी अगर मेरा नाम लेके अगर ये बोलता है कि मैं भाव का खास हूं, मैं आपको मिलाता हूं, आपका काम करके देता हूं, तो किसी को भी 1 रुपया देने का नहीं, किसी को भी पैसा देने का नहीं। अगर वो बोलता है कि मैं फ्री में मिलाता हूं आपको तो ठीक है, मगर मेरे नाम से किसी को भी पैसा देना नहीं, मैं मिलने का पैसा लेता नहीं। और ये गुरु कोहली, इसको इसकी औकात आप लोगों ने दिखा दी, सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने उसका 1 मिलियन का अकाउंट उड़ाया, इसके लिए सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये लड़के ने सूरत में एक दुकान वाला है, उसको जाके उसने ये बोला कि भाऊ मेरे खास है,
और मेरे साथ ही होटल में रुके हुए हैं सूरत में, आपको मैं मिलाता हूँ। वो चक्कर में वो दुकान वाले से उसने वो आईपैड वापस, एक मोबाइल फोल्ड 2 और एक घड़ी, आईपैड, ईयरबड क्या बोलता है वो, ये सब लिया। बोला भाऊ को देना है, आप आइए आपको मिला देता हूँ मैं, और वैसा करके उससे लिया। मेरे को मोबाइल वोबाइल की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत मोबाइल है, मेरे को मिलने के लिए किसी को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए लाइव आया। तो यार फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।